हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि झारखंड एसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएससी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है सहारा का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है दोस्तों थार का मरुस्थल। अगला, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं है? तो वो थारू का मरुस्थल नहीं है। अगला है, नूबियन मरुस्थल मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो ये सूडान में स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये सूडान में स्थित है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है बांधों से संबंधित, कि आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये नील नदी पर स्थित है। अगला है, आको सोमो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ये वोल्टा नदी पर स्थित है। अगला है, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये जेम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला है, कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो ये नाइजर नदी पर निर्मित है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये कोलंबिया। अगला है, हूबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये कोलोरेडो। अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, तो इसका नाम क्या है? आस बांध। अगला है, थ्री गार्जेज डैम किस नदी पर निर्मित है? तो ये यांग टीसी क्याम। अगला है, बांध बिले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये कोलंबिया नदी पर स्थित है। अगला दोस्तों, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये रोग बनस्की, मतलब तजाकिस्तान में दोस्तों ये स्थित है। अगला है दोस्तों, आसमान उच्च बांध स्थित है मिस्र में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? तो ये खार्तूम। अगला है, कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? तो ये सेंट लुइस। अगला है दोस्तों, कौन सा शहर दजला एवं भरा नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये बसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शहर डिलोबेयर एवं स्चुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये फिलाडेल्फिया। अगला, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा था? स्वर्ण रेखा एवं खरकई। अगला, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सीन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो वो भरतनाट्यम। अगला, प्रीबंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से कला शैली से संबंधित है? तो ओडिसी। अगला, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो कथकली। अगला, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो ओडिसी। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो कथक नृत्य के। अगला है अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित? तो ये कथक। अगला, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम। अगला, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम। अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो उपयुक्त दोनों, मतलब भरतनाट्यम से भी, कुचिपुड़ी से भी। अगला, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित? तो ये कथक। अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? तो गोपी कृष्ण। अगला है, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है महाकवि बल्ल तोल। अगला दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो वो झावेरी बहन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन साइंस का है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जिसे कहते हैं फोटॉन। अगला है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो ये हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ध्रुवण। अगला, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो ये मैक्सवेल ने की थी। कुछ क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री के,
तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया, तो वो हुमायूं। अगला है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में। अगला है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख कलम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया, तो जहांगीर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं बाग में दफनाया, तो वो है बाबर। अगला, किस मुगल शासकों को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया, तो ये बाबर। अगला, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया, तो वो है बाबर। अगला है दोस्तों, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता का स्थापना की, तो बिलग्राम युद्ध का। अगला, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था, तो रानी दुर्गावती। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी, तो वो आगरा। अगला, किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगाया, तो औरंगजेब ने। अगला, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अगला दोस्तों, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया, तो पुरंदर संधि। अगला है दोस्तों, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी, तो सरहिंद का युद्ध में। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी, तो वो हुमायूं। अगला, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुर ने लिखा है, भाई जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ, तो वो हुमायूं। अगला, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो लोक आचरण अधिकारी। अगला है, मुगल प्रशासन में मदद माफ इंगित करता है, तो विद्वानों को दी जाने वाली राज स्वमुक्त अनुदत्त भूमि। अगला है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, तो अब्दुस समद द्वारा। अगला दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। अगला है, शेरशाह सूरी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, तो वो शाह आलम द्वितीय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो वो AL श्रीवास्तव। अगला है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया, शेरशाह ने। अगला है, मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस के पर बैठे वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।